वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम झटपट बनने वाली आलू गोभी की सब्जी आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हमने आलू और गोभी को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ कर लिया है, इनके पीसेस को कट कर लिया है। ये हमने दो लहसुन और एक इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, दो हरी मिर्ची को काट लिया है, दो प्याज हमने बारीक काट ली है, एक बड़ा टमाटर काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया काटा है। हम इसमें किचन किंग यूज करने वाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, जो भी हम डालते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। अब हम इसमें डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 चम्मच जीरा। ये क्योंकि कुकर में बन रही है सब्जी, आप कम ज्यादा ऑयल कर सकते हैं। थोड़ा मैं किसी गेस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लिया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, पहले लहसुन अदरक डालेंगे, ग्रेट कर लीजिए, बारीक चॉप कर लीजिए, इसको चलाएंगे। देखिए ये ऐसे चला रहे हैं हम ताकि ये नीचे लगे नहीं, अच्छे से भून जाना चाहिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें प्याज और इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है ये घर पर बनने वाली सब्जी, और कुछ भी टाइम इसमें नहीं लगता है। बस जितना टाइम मसाला भूनने में लगेगा उतना लगेगा, फिर व्हिसल आते ही हम ऑफ कर देंगे और ये फटाफट बनने वाली सब्जी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आपको सब्जी खानी है बस तभी इसको बनाइए, तैयार करके रखिए, क्योंकि अगर आप इसको रीहीट करेंगे, दोबारा से गर्म करेंगे तो वो टेस्ट इसमें नहीं रहता है जो फ्रेश में रहता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहुंच सकें। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, देरी किस बात की है, मैं नई नई रेसिपीज के साथ आपके सामने आती रहूंगी। तो प्याज भुनने का वेट करते हैं और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। प्याज जल्दी भुन जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं नमक और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए प्याज भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अदरक की। अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर, अदरक जो हमने ग्रेट करके डाला है उसकी बहुत अच्छी खुशबू है इसमें, और प्याज अच्छे से भुन चुका था। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये कटा हुआ टमाटर, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, एक बार तो बनाना बनता है, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स में लिखकर कि आपकी ये सब्जी इतनी ही परफेक्ट बनी क्या। धनिया पाउडर डाल रहे हैं हम 1.5 टेबलस्पून, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कलर के लिए डाल रहे हैं हम मिर्च, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और इन सबको अब करते हैं अच्छे से मिक्स। वन टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें किचन किंग, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आलू गोभी मसाले वाली बनाने के लिए। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, तेल अच्छे से छूट गया है, इसका मतलब अब हम इसमें गोभी और आलू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, 1 फूल गोभी ली है और थोड़ा सा आलू को मोटा मोटा काटा है, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें सारे मसाले कोट हो जाएंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, मसाला अच्छा भुना होता है तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए गैस को हमने ऑन कर दिया और कुकर को बंद कर दिया है, इसमें हम सीटी आने तक इंतजार करते हैं, 1 सीटी आने के बाद खोल लेंगे। अगर आलू की सब्जी और गोभी की सब्जी थोड़ी ज्यादा है तो आप जल्दी जल्दी 2 लगवा सकते हैं,
डिपेंड करता है आपके कुकर पर। और ये देखिए हमारी ये यमी सी बनने वाली सब्जी जो है वो तैयार है, देखिए। और हमने इसमें एक फ्लेम हाई करके विसल लगाई है और एक स्लो पे, और ये अच्छी घुटी सी सब्जी जो बनकर तैयार है, आप देखिए कितनी अच्छे से गल गई है और कितनी बढ़िया सब्जी है। अब हम इसमें हरा धनिया डालने के बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं। बताना चाहूंगी कि आप जब भी ये सब्जी बनाना चाहें तो बिल्कुल फ्रेश बनाएं, यानी रखी हुई सब्जी अगर ये दोबारा गर्म करेंगे तो और ज्यादा घुट जाएगी, लेकिन अगर आप फ्रेश इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हल्के हाथ से चलाते हुए हम इसको सर्व करते हैं।